अस्सलाम वालेकुम। ग्रैंड कॉर्नर में खुश आमदेद। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शाद आबाद रखे। तो आज मैं बना रही हूँ अपने लिए एक स्पाइसी सी मिर्च, चिकन वरी मिर्च होगी ये। इसके लिए मैंने स्पाइसेस जो लिए हैं, टीस्पून है कुटी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून है गरम मसाला, हाफ टी स्पून है हल्दी, हाफ टी स्पून ज़ीरा, दो चुटकी जायफल और जावत्री है का पाउडर है, एक चुटकी अजवाइन है, टीस्पून सूखा धनिया है, और इसके साथ मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है एक खाने का चम्मच, दो खाने के चम्मच मैंने मैदा लिया है, कुछ कटी हुई दो खाने के चम्मच है हरी प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया। साथ मैंने एक खाने का चम्मच दही भी रखा हुआ है, इसमें थोड़ी सी मिर्च भी रखी हुई है मैंने डाल के। दो खाने के चम्मच मैंने बेसन रखा हुआ है, नमक हसब ज़रूरत इस्तेमाल होगा, ब्रेड क्रम रखा हुआ है मैंने, और ये चिकन का कीमा बस हाफ कप होगा ये, क्योंकि ये मिर्च के अंदर कोई ज़्यादा फ्राई नहीं हो सकती, बस उसी हिसाब से रखा हुआ है। ये मैंने मिर्च रखी हुई है, कुछ ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो इसके बीज मैंने अंदर ही रहने दिए हैं। कट लगा लिया मैंने इस मिर्च को भरने के लिए, तो अगर आपके पास स्पाइसी मिर्च है तो आप उसके बीज रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी भी रखा हुआ है, फ्राई के लिए ऑयल भी रखा हुआ है। चलें जी, सबसे पहले तो हम अपने इस चिकन के अंदर ये अपने सारे मसाले डालते हैं, सारे स्पाइसेस इसके अंदर चले गए। उसके बाद ये प्याज, हरा धनिया और ये नमक, टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ, और ये बेसन। हम अपने इस चिकन को कर लेंगे अच्छा सा मिक्स, और इसी को भरेंगे हम अपने ये मिर्च के अंदर, और दूसरी तरफ ये दही है खाने का एक चम्मच है, इसके अंदर थोड़ी सी मैंने रेड मिर्च डाली हुई है, थोड़ा सा तकरीबन दो चुटकी इसमें नमक डालते हैं। देखो अच्छा सा फेंक लेंगे हम, और ये कॉर्नफ्लोर और ये मैदा, इसका हम एक घोल तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पहले हम अपनी मिर्च की फ्राई करने के बाद ये इसमें अपनी मिर्च को डिप करेंगे, और बाद में इस पे लगेगा ब्रेड क्रम्ब। बहुत थिक ना हो और बहुत पतला भी ना हो, जो हमारी मिर्च पे ठहर ना सके। चलें जी, ये अच्छा सा बैटर हमने लिया है तैयार कर, इसको एक तरफ कर देते हैं, और ये अपने हाथ से लेते हैं कॉर्न, थोड़ा सा इसके अंदर चिकन के अंदर टीस्पून ऑयल भी डाल दिया मैंने, इसको अच्छा सा करूँगी मिक्स। करने के बाद इसको हम डाल देते हैं अपनी मिर्च के अंदर। चलें जी, मिर्च भी हमारी तैयार है, चिकन भी मसाले वगैरह मिला के हमने रेडी कर लिया है, तो हम अपनी मिर्च के अंदर इसको भरते हैं अच्छा सा, और इसको थोड़ा सा दबा के ये जो एक्स्ट्रा हम उसको बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, इसी तरह हम अपनी सारी मिर्च को भर लेंगे चिकन के साथ। इसको थोड़ा सा दबा के जो एक्स्ट्रा उसको हम हटा लेंगे। ये जो बैटर मैंने तैयार करके रखा हुआ है, मैदे से कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ी सी मिर्च भी है इसके अंदर, तो इसको अच्छा सा मिर्च को
लगा के इसके ऊपर ये जो बैटर है इस पर अच्छा सा कोट हो जाए और ये रेड कलर के अंदर। दूसरी मिर्च को भी लगा लेते हैं। सारी मिर्चों को भर के रेड कलर लगा के रख लेंगे और फिर इनको करेंगे फ्राई। मिर्च हमारी फ्राई होने के लिए तैयार है। हमने इस पे अच्छा सा बैटर लगाया, अपना ब्रेड क्रम लगाया और अब ये बिल्कुल फ्राई के लिए तैयार है। ऑयल भी हमारा गर्म है तो बिस्मिल्लाह करते हैं। थोड़ा सा इसको एक दफ़ा पास से बिस्मिल्लाह। आँच मैंने मीडियम रखी हुई है ताकि जो हमने चिकन का कीमा भरा है इसके अंदर वो भी आराम से अंदर से कुक हो जाए। बस इसी तरह हम अपनी सारी मिर्चें मीडियम आंच पे गोल्डन फ्राई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इंशाल्लाह मैं आपके लिए आइंदा भी अच्छी अच्छी ये वीडियोस लेके आती रहूँगी खाने की। इनको गोल्डन करते हैं। बस हमारी मिर्च फ्राई हो चुकी है। बस इसको मैं एक आध मिनट में निकाल लेती हूँ। ठीक है, निकाल ही लेते हैं इसको। ये देखें कितनी अच्छी और मज़ेदार सी क्रिस्पी मिर्च हमारी तैयार है। ये देखिए, ये जी हमारी चिकन कीमा भरी मिर्च तैयार है। बहुत मज़ेदार सी, बहुत क्रिस्पी। ट्राई कीजिएगा आप भी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।